वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अभी हमने आपको डॉक्टर मासूमा से मिलवाया। अब चूंकि हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी मोटिवेशन की, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे योगा के हवाले से। योगा के लिए हमें सलाफ नकवी ने ज्वाइन किया, और उसके साथ साथ जनाब मोटिवेशनल जो ट्रेनर है, काउंसलर है हमारे साथ, जहाँ जेब अहमद खान भी मौजूद होंगे, दोनों को वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज जहाँ जेब से जनाब हम जो बात करने वाले हैं वो है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। बेसिकली ये टर्म क्या है इस पर भी बात करते हैं, और सलाफे में बताएंगे विंटर्स के हवाले से योगा, और आप कुछ डंबल्स के साथ भी बताने वाले हैं। डंबल्स के साथ भी हमें आज नए तरीके से बताएंगे चीजों को, और एक प्रेशर पॉइंट भी जॉइंट पेन वालों के, जॉइंट पेन के लिए। ठीक, जबरदस्त हो गया जनाब। अच्छा से आपसे मैं शुरू करूंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली ये टर्म है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस आपके बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर है। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल मैनेजमेंट एंड हाउ यू मैनेज योर रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। दुनिया 100 साल तक, मतलब लास्ट सेंचुरी तक और इस सेंचुरी में भी, बेशतर अरसे तक एक चीज़ के ऊपर चलती रही, विच इज़ दी इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ जिसको आप कहते हैं। अब दुनिया शिफ्ट कर गई है इमोशनल कोशेंट के ऊपर। मैं ये नहीं कहूँगा इट हैज़ कम्प्लीटली शिफ्टेड, लेकिन इमोशनल कोशेंट जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और रिसर्चेस से ये साबित हुआ है, स्टडी से ये साबित हुआ है कि जो लोग इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम अगर रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करें तो रिलेशनशिप्स को हैंडल वही बेहतर करता है जो अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है, चाहे वो फिर आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, किसी किस्म के भी, किसी एतबार से भी अगर आप उसको परखेंगे तो वो एक बेहतर तरीके से आपके सामने आएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि सक्सेसफुल लोग ज़्यादातर वो लोग हैं जो इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कोशेंट या जो आपका जो इंटेलिजेंस का फैक्टर है वो तो एक तरफ रह जाता है, लेकिन ऑन दी अदर साइड ऑफ इट ये देखने में आता है कि आपका लोगों के साथ क्या रवैया है, और आपने उन चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया हुआ है। मैं हमेशा अपने सेशंस में एक बात करता हूँ कि पहले अपने आप को मैनेज करें। इफ़ आई एम सिटिंग इन दिस रूम और हम तीन लोग बैठे हुए हैं यहाँ, इज इट ईजी टू मैनेज माई ओन सेल्फ और मैनेज ऑल थ्री ऑफ अस? मेरे लिए अपनी ज़ात को मैनेज करना आसान है, उसके बाद अपने इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स को मैं मैनेज बेहतर तरीके से कर लूँगा। और इमोशनली अपने आप को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप एट टाइम्स वल्नरेबल होते हैं, आप लो होते हैं, आपका हाई मूड होता है, जो आप कहते हैं मूड स्विंग्स होते हैं, द वे योर मूड स्विंग्स, मतलब पेंडुलम की तरह आपका वो होता है, उनको मैनेज करना असल में काम है। जिसकी छोटी सी मिसाल इस तरह से है कि अगर आपको बॉस ने आपके वर्क प्लेस पे बुरा भला कहा है या डांटा है, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर पे भी जाके उस गम गुस्से का इजहार इस तरीके से करें कि आप अपने काउंटर पार्ट के, अपने घर के अंदर जितने लोग हैं उनके ऊपर वो गुस्सा निकालें। अगर वो काम हुआ है तो वो उसको वहीं छोड़ दें। हाँ, आप डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अब आप करें ये कि अपना कैथारसिस इस तरह से करें कि उस गुस्से को आप घर पे भी उसी तरह से निकालें, तो उन लोगों का कसूर तो नहीं है आपकी डांट पड़ने में। हाँ, अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिस पे उनको डांटना चाहिए, जिस बात में उनके साथ हार्श होना चाहिए, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपको डांट पड़ी है किसी और जगह में, किसी और एनवायरनमेंट में, एक और एम्बिट के अंदर, और आप उनको एक और एम्बिट में जाके बुरा भला कहें, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड दिस इज हार्श ऑन देयर पार्ट। दूसरी बात यह है कि एक अगर हम उसको देखें ना, कि जो साइकिल एक फॉलो होता है हमारे यहाँ और दुनिया भर में जो फॉलो होता है, वो ये होता है कि बॉस से डांट पड़ी, आपने बेगम को डांटा, बेगम ने बच्चे को डांटा। अब बच्चे मासूम का कोई कसूर नहीं है, उसके अंदर वो ऐसे ही पिस रहा है। सो यहाँ यू नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ को कहाँ तक रखना है और किस चीज़ को किस हद तक लेके जाना है। सो वी नीड टू डिफाइन द लिमिटेशंस। ठीक हो गया, इमोशनली इंटेलिजेंट होना कैसे है ये भी हम अभी जाहिर से बात करेंगे। सलाफे विंटर्स के हवाले से हम बात करें तो बहुत सुस्ती होती है, एक्सरसाइज हो, योगा हो, हर चीज़ में सुस्ती होती है, तो विंटर वर्कआउट क्या बताने वाली हैं आज? सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताने वाली हूँ कि अगर तो आपको अपना चेस्ट एरिया भी स्ट्रेंथन करना है, और दूसरा ये सल्यूट इसको कहा जाता है, और इसमें योगा के आपके तमाम जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो प्रेस हो जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पोस्चर में बैठना होगा 30 सेकंड के लिए, 3 दफा 30 सेकंड आपने इसको प्रेस किया, छोड़ दिया,
उसके बाद जो हमने एनर्जी बॉल वाली एक चीज बताई थी, अपनी तमाम फिंगर टिप्स जो हैं आपकी उनको आप प्रेस करोगे। ज्यादातर आप इंटेलेक्चुअल्स वगैरह को देखेंगे जब वो बात कर रहे होते हैं तो इस तरह से बैठे हुए होते हैं, तो वो एक रीजन ये भी होता है जो जिनको पता होता है कि नर्व्स एंड टर्मिनल्स यहाँ पर है तो वो उसे एक्टिवेट कर रहे होते हैं। मेरे अपने टीचर ये करते थे, मैंने पूछा ये क्या है, ये एनर्जी बॉल है मेरा, तो इसको एक्टिवेट कर लिया करो तो आप फील करोगे एनर्जेटिक। और दूसरी चीजें जो आज डंबल के साथ हम बताने वाले हैं वो मैं अपनी जगह पर जरूर आपको बताऊँ। अच्छा, उसमें एक सबसे पहले कि जॉइंट का इश्यू जिनको होता है, उनको पेन होना पहले शुरू हो जाएगा जब सर्दियां आती हैं, तो उसमें ये होगा कि जिनको इस एरिया में पेन है या नी के, आप कह सकते हो कि नी पेन है, अब नी से ऑपोजिट जो बैक साइड पर आपकी एक जगह होती है सेंटर में, मिड में, आप उसको सर्कुलर मोशन के अंदर आप उसको मसाज करें या सिर्फ आप उसको प्रेस कर सकते हो, तो आपको जो सिवियर पेन जो आपको उस टाइम हो रहा होगा वो सही हो जाएगा। दूसरा, डंबल से जो हम बात करने वाले थे वो ये होगी कि आर्म का वर्कआउट अक्सर हम छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं ना तो आर्म्स में स्ट्रेंथ नहीं होती, तो एक तो स्ट्रेंथनिंग के लिए भी एक्सरसाइज है और आपका जो फैट है यहाँ पर वो चला जाएगा। सबसे पहले आपने डंबल्स को अपने फेस के सामने रखा, अभी इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, यहाँ रखा, इधर, ये, यहाँ पर, अगेन, ये, ऐसे। अब इसमें होगा क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको 10 टाइम्स करें क्योंकि ये इंटेंस हो जाएगा, दिखने में आसान लग रहा है लेकिन ये इंटेंस हो जाएगा। और दूसरे, फुल बॉडी वर्कआउट की जहां तक बात हो रही थी, आपका ये एरिया भी इंगेज हो और आपका लोअर पार्ट भी इंगेज हो। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको पकड़ा यहाँ पर डंबल को, अगर आपके पास पानी की बॉटल है तो आप वो ले सकते हैं, या बिगिनर्स हैं बगैर वेट के भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री का एंगल दिया अपने जो फीट है उनको, आपने सिर्फ इसको रखा, इस वेट को यूज करते हुए आप नीचे गए, इसको लिफ्ट, नीचे, लिफ्ट। अब जो बाजू की बाकी जो बहुत आसान एक्सरसाइज होती है लोगों ने देखा, लेकिन उसमें कॉमन मिस्टेक लोगों को करते हुए देखा है, वो इसे लॉक रखते हैं। नी को आप कभी लॉक नहीं रखेंगे, आपको मसल को ज्वाइन रखना है उसके साथ, तो आप सिंपल यहां थोड़ी सी आर्च बनेगी और इसको, ताकि मसल जो है इस पर स्ट्रेस आए और उसके बाद आपका वो जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है वो शुरू होगा। किस लिए, विंटर के लिए आप ओवरऑल बताएं? ओवरऑल भी होगा। अब ज्यादातर मैंने देखा स्ट्रेंथनिंग लोगों में नहीं होती, अब जहां तक बात आती है कि कोई ऐसी एक चीज जिसमें सारी चीजें आ जाएं, सिर्फ थ्री एक्सरसाइज है जिनको आपको इकट्ठे करना होगा और इसके अलावा आपको विंटर्स में शायद ही किसी चीज की जरूरत हो। अच्छा, ठीक हो गया। आपने सीधा बस प्लैंक किया, जब आपको लगा कि अच्छा मैं प्लैंक में थक गया हूं, इस पोजिशन में आ गए, उसके बाद आपने ट्राई करना है टच करने का, अगर नहीं होता जो आप बता रही है ना, बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अच्छा, इसमें अब ये होगा कि अगर आपसे प्लैंक 10 सेकंड हो रहा है, 5 सेकंड हो रहा है, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू पुश योरसेल्फ कि आप उससे आगे अपनी इंड्योरेंस लेकर जाएं। और अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ बहुत टफ था, तो सिर्फ और सिर्फ आप वापस अपनी आम रूटीन पर आ जाएंगे। आप इस तरह से बैठे, अगर बेंड ज्यादा नहीं होता कोई बात नहीं, सामने आप स्ट्रेट अपनी लेग रख सकते हैं। अब जो पांव आपका आगे है उसको आपने ऑपोजिट हैंड से पकड़ना है यहाँ पर। अब शुरू में अगर नहीं होता दैट्स फाइन, आपने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। अब बहुत सारे लोगों का हाथ इस साइड पर भी नहीं आएगा, आपने सिर्फ पीछे देखना है। आप जब ये पोस्चर करेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। विंटर ब्लूज का इशू विंटर में बहुत ज्यादा होता है, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है और लोग जब बुली करते हैं ना ओबेसिटी की वजह से वो, तो एक लेट गो ब्रीदिंग में आपको बताऊंगी। आपको जब टेंशन होने लगे तो आप एक ब्रीदिंग करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लेट गो करते हैं तमाम उस स्ट्रेस को। ठीक है, आपने इनहेल किया, इनहेल करते हुए सल्यूट या इसको नर्व्स एंड टर्मिनल्स एक्टिवेट करें, एक्सहेल करना है तमाम स्ट्रेस को, उसके बाद आप प्रेशर के साथ एक्सहेल करेंगे फ्रॉम योर माउथ, अगेन इनहेल, इसके आपको 10-12 सेट्स के रेपिटेशन में करने होंगे एंड इसको एक्सहेल करेंगे। ठीक हो गया, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा साजिब, अब बहुत सारे केसेस में डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, हर एक की सिचुएशन वेरी करती है और हर एक का रिस्पॉन्ड तरीका करने का तरीका भी बिल्कुल वेरी करता है। कुछ पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ नेगेटिव वे में लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी ज़्यादा है, हम पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम उसको अडेप्ट करते हैं, तो उस हवाले से भी देखिए हम अगेन ओरिएंटेशन है, माजरत के साथ हमारी एक पूरी नस्ल, बल्कि सिर्फ नस्ल ही नहीं, जेनरेशन ओवर जेनरेशन इस चीज़ का शिकार नहीं है, और कहीं ना कहीं ये पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज़ का इशू है इसके अंदर। एज अ स्ट्रैटेजिस्ट जब मैं बात करता हूँ, बिकॉज आई वर्क इन थ्री एरियाज, एज अ ट्रेनर, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट एंड एज अ काउंसलर, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट जब मैं बात करता हूँ तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि ट्राई टू बी
innovative. Try to think out of the box. एक चीज जजमेंट को थोड़ा सा सस्पेंड करने की कोशिश करें. अव्वल तो ये कि ट्राई नॉट टू बी जजमेंटल, बट अगर आप वो नहीं कर सकते तो उस वक्त जजमेंट को थोड़ा सा सस्पेंड करने की कोशिश करें. किसी के बारे में फौरन एक हतमी राय ना कायम कर लें, उसको थोड़ा सा मार्जिन दें. अच्छा, अब ये एक इंसान के बारे में भी हो सकता है, सिचुएशंस के बारे में भी हो सकता है. जैसे मैंने एक दफ़ा पहले आप ही के प्रोग्राम में एक एग्जांपल दी थी कि जब ट्रिप पे जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स अक्सर स्केप्टिकल होते हैं कि खुदा ना खास्ता ये हो गया, वो हो गया, लैंडस्लाइड हो गई. वेयरएज वो बच्चे को ये नहीं बता रहे होते यार अब तुम जाओगे तो ये चीज़ें फोकस करना और ऑब्जर्व करना और उस एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करके लाना ताकि तुम सीखोगे ज़्यादा. अब एक माइंडसेट है. इसी तरह से होता है कि हम किसी भी सिचुएशन में एंटर करते हैं, दो लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं हम, एक प्रोज एक कॉन्स. बोलने में प्रोज पहले आते हैं विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, बट वी ऑलवेज गो टूवर्ड्स द कॉन्स. नेगेटिव साइड के ऊपर सोचते हैं और ये हमारा माइंडसेट है और ये बहुत सारे लोगों का, हर एक का ही माइंडसेट ओरिएंटेशन है ये हमारी. इस ओरिएंटेशन को अब वक्त है चेंज करने का, क्योंकि जिस पेस के साथ दुनिया चेंज हो रही है, ग्लोबली जिस पेस के साथ चीज़ें मनूवर कर रही हैं, आपका अगर ये माइंडसेट नहीं होगा, आप इनेबल्ड नहीं होंगे स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दोज डिसीजंस आर राइट और रॉन्ग. टाइम वुड टेल दोज डिसीजंस आर राइट और रॉन्ग, बट यू नीड टू टेक दोज डिसीजंस एंड स्टैंड बाय दोज डिसीजंस. देखिए, अशफाक साहब एक बहुत खूबसूरत बात करते हैं कि तजर्बा इंसान को गलती करने से रोकता है. लेकिन तजर्बा आता कैसे? आप गलती करते हैं तो तजर्बा आता है ना. इसी तरह से कोई भी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, आप क्रैंकी हो रहे हैं, आप एजी हो रहे हैं, आप उसे लाइटली ले रहे हैं, आप इजीली ले रहे हैं उस सिचुएशन को, ये आपकी एक समझने की ज़रूरत ही है कि आपकी नेचर उस तरह से है. दूसरी बात यह है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, आपने कितना, जैसे प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशंस होती हैं, प्रेशर के अंदर अक्सर लोग फ्रीक आउट कर जाते हैं. कमिंग टू यू, यू डू अ लाइव शो, live show, doing a live show day in day out, a 2 hours live show is not an easy job. आपके बेशुमार technical glitches आते होंगे, बेशुमार technical issues आते होंगे, आप उसे there and then resolve करती होंगी अपने end पे, आपकी technical team अपने end पे करती होगी, क्योंकि इसमें live में आपके पास margin नहीं है. अगर इधर आप freak out हो जाएं या कोई एक फर्द इस team में से freak out हो जाए, the entire system would collapse. Exactly. एक बंदा उसको सपोर्ट कर देगा, दूसरा बंदा उसको सपोर्ट कर देगा, बट कहीं ना कहीं उसका असर नजर आना शुरू हो जाएगा. इसीलिए कहते हैं कि प्रेशर हैंडलिंग एक आर्ट है, और वो आर्ट इमोशनली इंटेलिजेंटली स्ट्रांग होके आपको उसको मैनेज करना आएगा. क्योंकि देखें, जिंदगी जो है ना, जिंदगी एक टाइम लाइन है, वक्त गुजर रहा है, इस वक्त के अंदर सिर्फ आपने मैनेज करना है. और बेहतरीन मैनेजर्स वो होते हैं, 1 जो अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं, 2 जो लोगों से काम लेना जानते हैं. जरूरी नहीं है कि हर काम आपने खुद करना है, आप हर काम के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बट यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट एंड देन गेट द रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. दैट्स व्हाट अ गुड मैनेजर डज who is eventually emotionally intelligent. Lovely, lovely. ठीक हो गया. सलाफ है, आपकी जानब आएंगे दोबारा. अभी हम बात कर रहे थे, आप हमें ज्वाइंस के हवाले से भी कुछ है, सलाफ एक्टिव होगी. सलाफ मुझे लग रहा है बहुत ही मोटिवेशनल बातें सुन के मोटिवेटेड हो रही थी. एक्चुअली मेरी फील्ड है, मेटाफिजिशियन हूँ मैं, तो ये सारी मेरी फील्ड है, EQ और ये सब कुछ. तो मैं खुश होती हूँ जब ये बातें हो रही होती है कि लूप काश लोग तोड़ दें, एक ही स्टिमुलस एक ही रिएक्शन, लूप टूटे तो चीज चेंज हो. तो इस वजह से मैं खुश हो रही थी, आई वाज लाइक अच्छा मुझे और सुनना है. ठीक है, अच्छा सलाफ है, मैं आपसे मजीद जानना चाहूंगी. अभी हम विंटर वर्कआउट की बात कर रहे थे, तो बहुत सारी जगह पे हमारे जो कहते हैं ना, वो एक वार्म अप सेशन हमें चाहिए होता है, कुछ एक्सरसाइज या योगा करने के लिए. यही बताने वाली थी, है ना, मेरे सवाल कर लिया, आप जल्दी से बता दें. देखिए, EQ की बात हो रही है, कैसे पता चल गया पहले. अच्छा, अब यहाँ पर जो वार्म अप है, बहुत इजी, चाहे उनको जॉइंट का इश्यू भी हो और ये सब, आप विंटर में सिर्फ और सिर्फ इसको टो टच कहते हैं. आपने ये 30 सेकंड तक करना है, जब आपके 15 सेकंड क्रॉस होंगे उसके बाद आप इसको स्पीड में करना शुरू कर देंगे. सेकंड स्टेप जो आपका होगा, उसे हाई नहीं कहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अभी टैप इसको शुरू में करना शुरू कर दें. आपने सिर्फ और सिर्फ किया ये 1
टू, अब जितना हायर जा सकता है, ज्यादातर लोगों का हायर नहीं जाएगा, सेम यही 30 सेकंड के लिए, उसके बाद दोबारा आप इसी चीज पर आ जाओगे. अब इससे नेक्स्ट जब आपको लगे आपकी बॉडी रेडी है, तो ये भी एक जिसमें आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होगी. आपने डंबल पकड़े या उसके बगैर भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपने खुद को स्ट्रेच किया. विंटर्स में आप अगर सटल जितनी भी स्ट्रेच होती है वो आपने की, झुके थोड़ा सा, और जब आप आगे को आए तो आपने इसको, ये रोइंग भी कहते हैं इसको, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको मूव किया. अब ये तकरीबन आप 25 टाइम्स या 15 टाइम्स जब आप ये करते हो, आपकी स्ट्रेच भी बॉडी हो जाती है. या आप लंच कर सकते हो इसके साथ, स्विच कर लेंगे लेग को, और जब सामने आए तो आपने ये रो करना शुरू कर दिया. वार्म अप नहीं भूलना, पानी पीना नहीं भूलना. विंटर्स में आके ल्यूक वार्म वाटर आप यूज कर सकते हो, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, और ये होता है कि हल्का होता है, तो पानी आप जरूर पिए. उसको आप मिस नहीं करेंगे, और शॉर्ट स्लीपर मत बने. क्यों? उससे ज्यादा जितने इन्फेक्शन है वो फैलने का अंदेशा होता है, तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, कभी ये चीज होना शुरू हो जाए. और अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो एनर्जी बॉल एक्टिवेट करना मत भूलें. लवली लवली लवली. ठीक हो गया जहाज़, चूंकि हमारे पास टाइम कम होगा, हम चाहेंगे कि आप एक मैसेज जो देना चाहें वाले देखने वालों को. जो अब आने वाली नस्ल है उनके पेरेंट्स को मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, जो मैंने अपने रिसेंटली एक सेशन में समझाई थी SOS की मदर्स को, बिकॉज दे आर ट्रीटिंग चिल्ड्रन, और वो दे आर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन इन अबंडेंस. सबको ये समझने की ज़रूरत है कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन एंड व्हेन यू टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स, दो काम अगर आप उनके साथ कर लें तो उनकी पूरी जिंदगी के ऊपर एहसान होगा. एक, बचपन से सोल्यूशन ओरिएंटेशन के ऊपर उनको लेके जाएं, उनको बताएं कि यार सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी. उनको बताएं कि अगर तुम अकेले हो तो तुमने क्या करना है, ये बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है. दूसरी बात यह है कि उनको रीडिंग की आदत डालें, बिकॉज व्हेन दे वुड बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग, दे वुड बी गोइंग थ्रू वेरियस लिटरेचर्स, जिसके अंदर उन्हें मुख्तलिफ टेक्निक्स का पता लगेगा. ज़रूरी नहीं है कि कोई पैटर्न की रीडिंग हो या डिस्कोर्स की रीडिंग हो, दे मस्ट रीड कॉन्टेंट. हम इस डे एंड एज में रीडिंग से दूर होते जा रहे हैं. ज़रूरी नहीं है आप किताब खोल के ही पढ़ें, आप लिटरेचर वैसे पढ़ें. लोग जो रिवायती बात करते हैं कि जी किताब से पढ़ना चाहिए था, ये आपको इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ग्लोबल पेस कैसे चल रही है. अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आप इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें आपके सामने है ना. अगर बच्चा किताब नहीं पढ़ा, ना पढ़े, वो कंटेंट पढ़े, वो पढ़ने की आदत हो उसके अंदर, ताकि कहीं वो फंसे तो उसको पता हो यार गो टू प्लेस क्या है मेरी. देखें, दो चीज़ें हैं, एक आप पढ़ के समझते हैं, दूसरा डिस्कशन से समझते हैं. ये दोनों चीज़ें हमारे माशरे में, और जब लोग कहते हैं ना हमारे माशरे में, तो हम अपने सिर्फ अपने माशरे के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं. वर्ल्ड ओवर ये चीज़ें कम होती जा रही हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा करें और पढ़ने की आदत डालें. करिकुलम स्टडी नहीं, वैसे पढ़ने की आदत, वहाँ से इंटेलेक्चुअल्स पैदा होते हैं, और वहाँ से जो आपके कोड्स हैं ना वो डीकोड होना शुरू होते हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन आपकी उस तरह से होती है. फंसे हैं आप, आपको पता है यार मेरे पास ओके टाइम नहीं है, आई नीड टू गो टू दैट पर्सन और टू दैट ग्रुप ऑफ माइंड, जहाँ मुझे मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ और मुझे एक मैं वेंट आउट भी कर सकता हूँ और मुझे सॉल्यूशंस भी मिलते हैं. और डिस्कस करने, वैसे भी अगर हम इस्लाम की बात करें तो मशवरे में बरकत है. वो आप चाहे किताब से ले लें, चाहे आप इंसान से ले लें, बट ये दो गो टू प्लेसेस होनी चाहिए आपके पास, ताकि ज़िंदगी में कहीं पर भी आप फंसें तो आपके पास पता हो कि यार मेरे पास, मैं ये करूँगा तो मैं इससे निकल सकता हूँ. और दूसरा ये कि यू विल बी वेल इक्विप्ड टू इन्फॉर्म others as well. You'll be well informed and you will be able to guide others as well, jo ke basically zindagi ka maqsad hai. Lovely, thank you very much Jahanzeb, bahut shukriya, thank you so much Salafe, ke winter workout bhi aapne bata diya, aur Jahanzeb ne bhi aapko emotional intelligence ke hawale se detail bata di, aur kis tarah se aapne handle karna hai emotions ko, aur kitna intelligent hona chahiye aapko emotionally, ये भी हमने आज डिटेल डिस्कशन की. उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा. हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे पेज पर फेसबुक पेज है जागो लाहौर. और आज का शो आपने मिस किया है तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होता है, और यूट्यूब चैनल है लाहौर न्यूज़ का भी और जागो लाहौर का भी, दोनों पर ये एपिसोड्स अवेलेबल होंगे. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.